स्लेश बहुत अच्छा आ रहा था कई बार, और कई बातें डायरेक्ट भी कही गई जो नेचर को जिस तरीके से ह्यूमन रेगुलर इमोशन के तरीके से जोड़ा गया और उसको नेचुरलिटी मतलब उसके प्राकृतिक तत्व को और ज़्यादा मानवीय तत्व के साथ जोड़ के और उसके साथ इन चीज़ों को साथ में लेते हुए कि ये सारी चीज़ें हैं फिर भी हमें एग्जिस्ट करना है इसी अर्थ पे सिंस वी रन अ सिस्टम ऑफ ह्यूमैनिटी, तो इसलिए वो उल्लास का एक पर्व की उम्मीद जैसा एक लगा। आपने सर बहुत अच्छी बात कही कि क्या लिखा जा रहा है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना ज़रूरी है कि लेखक के लिए क्या नहीं लिखा जा रहा कि सिर्फ तथ्य या घटना परिघटना ही नहीं है, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाए जिससे हर रीडिंग में उसके बिटवीन सेंटेंसेस जो नहीं भी कहा गया है एज ए डबल रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चीज़ें आए तो रचना कालजयी होने की तरफ अभिमुख हो। सर की कहानी में भी वहीं से ही प्रवेश होता है जब सांस लेने की तकलीफ होती है, जब हर डिसीजन पे एज इन मिशेल फूको जब रिसर्च करते हैं उस पर हॉस्पिटल पे या उन चीज़ों पे, तो मेरे दिमाग में आ रहा था हॉस्पिटल्स का एक ऐसा खाका होता है जिसमें आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आप सिर्फ बैठते हैं आपकी दवा से लेके, और अभी खुद ही मैं आ रहा हूँ मेरी चाची मतलब एडमिट है उनको भी कैंसर है तो उनको भी चारों तरफ नली जो है लगाई, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो तो मैं कनेक्ट कर पा रहा था उसके उसमें मुझे कहने से मतलब थोड़ा सा ये लग रहा था कि जैसे हम पात्र से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो पहली बार ये मतलब थोड़ा और क्रिएटिव होता अगर पहली बार जैसे लिखा मेरा लिखा दूसरी बार से और मतलब लिखा ही ना दूसरी बार से इरा कहते तो और जो पाठक था वो और ज़्यादा क्लोज जाता कैरेक्टर, तो जिस कैरेक्टर के हमें क्लोज ले जाना है उसके क्लोज ले जाने के लिए भी और चीज़ें, हालांकि अजनबियत और उत्तर आधुनिकता की विसंगतियाँ बहुत सारी जो है उसमें व्यवहार तरीके से मौजूद है और फिर भी उसका कंटेक्स्ट अच्छा था, संवेदनहीनता पे जो एक बात रखी गई है वो अच्छा था, यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों में से कोई जी, मेरा नाम मनोरंजन है, मैं JNU का PhD का छात्र हूँ। नायिका अभिसारिका की जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी और जो मुझे रियलाइज़ हुआ, जो अगर शीर्षक अगर नहीं होता तो शायद मैं रियलाइज़ नहीं करता, वो है कि ऑपरेशन और जो प्रेम का को जो एक खेल की तरह एक तरह से बताया है कि एक प्ले की तरह है, एक नाटक की तरह है, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि नायिका भी सारिका है तो मैं नाट्यशास्त्र तक चला गया कि सारे जो रस हैं शोक और करुणा ये सारे इनको मिला के भी ये भी जो दर्शक है वो महसूस नहीं करता है, वो खुद वो उस शोक का आनंद लेता है, तो ऑपरेशन को जब खेल बना दिया जाता है या फिर प्रेम का जो एक खेल हो जाता है तो उसका भी एक हम लोग आनंद ले पाए एक तरह से, और एक बार अगर ऑपरेशन को इस तरह के ऑपरेशन को खेल जितनी बार साबित किया जाए मेरे हिसाब से उतना अच्छा है, क्योंकि जब ऑपरेशन को खेल साबित कर दिया है तो ये यकीन हो जाता है कि तख्ता पलट हो सकता है मेरे हिसाब से। तो और आप लोग में से कोई? मेरा नाम विक्की है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से हूँ और उड़ीसा से भी, और मुझे बेहद खुशी है कि नूर जी कहानी पढ़ते हैं और उनको सुनने का ये मौका मिला, क्योंकि पहले सेंटेंस से ही मुझे लगा, और मैं सॉरी कोई माइंड नहीं करे बट आई बिलीव कि एक्सप्लेन किसी कहानी अपने आप में संपूर्ण होती है, उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती और एक्सप्लेनेशन हमेशा कहानी की ड्यूरेशन से कम होनी चाहिए ताकि वो स्पेक्ट्रम जो इमोशंस का
उन्होंने पढ़ते हुए क्रिएट किया, जब डिस्कशन होता है तो somehow वो कट करना शुरू कर देता है। मतलब मेरे लिए ऐसा हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने कहानी में शब्दों का पूरा करते हुए, यही कहानी अगर मैं स्टेज पे देखता तो शायद वो मैं कभी नहीं फील कर पाता, कभी इमेजिन नहीं कर पाता जो उन्होंने अपने शब्दों के जरिए किया। और आई एम सो हैप्पी कि हम लोग वही टॉर्च वही दिया लेके आगे बढ़ रहे हैं जिसमें नूर जी पूरे परिवार ने और इस लेगेसी ने अपना खून और जीवन डाला है। और दूसरी कहानी जो उन्होंने पढ़ी, मुझे लगा कि वो इमोशन को बहुत सरफेस लेवल पे टच करती है और इट ओपन्स अप लाइक अ मेडिकल रिपोर्ट, गोज ऑन लाइक अ मेडिकल रिपोर्ट एंड इट एंड्स अप लाइक अ मेडिकल रिपोर्ट। और वो इमोशन एक जगह पे पिंच नहीं करता, हालांकि वो हर घर की कहानी भी हो सकती है और होता है ऐसा, मुझे नहीं पता इतनी बारीकी में कि वो कौन सा इमोशन था जो पीछे छूट गया, जिसने मतलब एकदम से मारा नहीं, पंच नहीं किया कि ये क्यों हो रहा है। और शायद इसलिए, और आई अगेन रिक्वेस्ट कि ये जो पैर की जूती और ये सारे शब्द आज तक भी इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आज तक राइटर उनको अपनी कहानियों में यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप यूजिंग दिस ताकि एक नए तरीके का डिस्कोर्स हो सके। बताइए और कोई आपको तो बोलना ही जैसे आप चाहें। मेरा नाम निधि मिश्रा है और मैं JNU में MA की स्टूडेंट हूँ और मेरी दो कहानियाँ छपी हैं, मैं निधि श्री के नाम से लिखती हूँ। यहाँ पे जो दो कहानियाँ पढ़ी गई उनको मैं एक स्त्री के नज़र से देखना चाहूँगी। सर की जो कहानी है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो बात यहाँ बार बार कही जा रही है कि वो स्त्री प्रतिरोध क्यों नहीं करती है, तो पितृसत्ता की जड़ें इतनी गहरी है हमारे समाज में। और जो बात संवेदना की आती है वहाँ पे कि उसके पति को उसके प्रति संवेदना क्यों नहीं है, तो आप एक मैं ये मतलब मेरा ये प्रश्न भी आप इसे प्रश्न के तौर पे ले सकते हैं कि हमें स्त्री के प्रति संवेदना कहाँ दिखती है। स्त्री के प्रति सिर्फ किताबों में संवेदना लोग व्यक्त कर देते हैं, लेकिन अगर असल जिंदगी में देखा जाए तो स्त्री के प्रति संवेदना नहीं है। वास्तव में उसे आज भी दबा के रखने की कोशिश की जाती है। और जो माँ की बात आती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ये पितृसत्ता ही काम कर रही है, ये पूरी व्यवस्था काम कर रही है। ना उसका भाई उसे रखना चाहता है, ना उसकी माँ उसे रखना चाहती है। उसकी माँ के मन में भी हो सकता है ये सारी बातें आती हों कि अगर उसकी बेटी जो शादीशुदा है वो अपना घर छोड़ के मेरे घर में आके रहेगी, तो हो सकता है समाज बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए। तो ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था की बात है, व्यवस्था की वजह से वहाँ पे सारी संवेदनशीलता खत्म हो गई है। और मैम की जो कहानी है, मुझे नहीं पता मैं इसको किस मतलब कितना सही बता पा रही हूँ, लेकिन ऐसा मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो स्त्रियाँ हैं वो हमेशा समाज में एक आवरण ओढ़ के जीने के लिए मजबूर हैं। और वो जो लड़की है वो इतनी ज़्यादा अपने में मतलब निडर है कि उसे सब कोई रिजेक्ट कर देता है, यहाँ तक कि उसके परिवार में भी जो शादियाँ उसकी हो सकती थी लेकिन नहीं होती, तो बाहर लड़का तलाश करना पड़ता है। और वहाँ पे कहानी में एक जगह ये कहानीकार ने कहा भी है, लेखिका कहती है कि उसने सोचा था कि इस बार कबूतर हाथ से जाने नहीं देना तो वो इसीलिए बिजली उस टाइम जब कड़कती है तो वो जाके शायद हो सकता है इसीलिए उससे लिपट जाती है, ये दिखाने के लिए कि नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारी क्योंकि बाद में लेखिका ने कहा है। और जब उसके पति का देहांत हो जाता है तो शायद उसे ये महसूस होता हो कि मैं आजाद हो गई, मैं स्वतंत्र हो गई और मैं अब जी सकती हूँ खुल के, क्योंकि स्त्रियां जो है हमेशा मजबूर कर दी जाती हैं समाज के द्वारा, उनके अंदर अगर वो निडर होती भी है ना तो भी उन्हें ये दिखाना पड़ता है कि हम बहुत बेचारी हैं, हमें डर ही के हम जी सकते हैं। मुझे लगा रसना जी मुझे तो बहुत छोटी सी एक बात बोली थी कि एक तो जो कबूतर वाला बात थी उससे मुझे गर्म हवा का सीन याद आ गया था कि वो उड़िया इसे ये नहीं उड़ने दोगे, वो एक वाली बात याद आ गई थी मुझे। और ये दो सिरे की महिलाओं की कहानियां हैं, दोनों कहानियां
एक बिल्कुल जो बिल्कुल ही लाचार है, दीनहीन है, कमा रही है उसके बावजूद भी, और एक जो नहीं कमा रही है। आर्थिक हुए तो एक वो होता है कि मतलब अपने आप को ही दे देगा, नहीं तो वो आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है, उसके बाद भी उसमें पूरा उल्लास है, जीजीविषा है, सब कुछ है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे की कहानी है। तो मैं सोचती थी कि औरतों को कितनी वेरिएशन से कहानियों में दिखाया जा चुका है, लेकिन पुरुषों की रेंज बहुत कम है, क्योंकि वो जो मर्दवाद है उनमें वो घुसा ही रहता है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा हिलने डुलने नहीं देता। तो लेकिन औरत की जो स्त्रीत्व है यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ी उसकी रेंज आ जाती है। बहुत बड़ी, बहुत मैं नूरजहीन जिन्होंने कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि जब शर्मा जी कह रहे थे कि बिहारी का दोहा गागर में सागर, तो वो गागर में सागर कहानी है। और हरिहर जी की कहानी मैं पढ़ रहा था तो वहाँ से उस सागर से मैं कुछ शब्द लेके आ पा रहा था। देखिए कहानी क्यों है आज की कहानी, जैसे नूरजहीन की जो कहानी है वो आज की कहानी है। कहानी क्यों लिखी जानी चाहिए, कहानी को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, और वह कहानी आज से हमें कनेक्ट करती है कि नहीं करती है, उसका सिल्क का ट्रीटमेंट कैसा है, उसके अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ क्या हम लोगों के साथ चल रही है और आगे का कुछ रास्ता वो दिखा रही है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि जो काफ़ी लोगों ने कहा इस पर कि जो नूरजहीन की जो कहानी है वो तो कहानी मतलब जिसको विश्वनाथ त्रिपाठी जी भी कहते हैं कि कहानी में लोक से ज़्यादा अलोक होता है, उसका छिपा होता है, वो अलोक पूरा छिपा हुआ कहानी, और उस कहानी में अवसाद में जो सुख का स्वप्न है जो नायिका देखती है वो एक बड़ा स्वप्न है, और वह स्त्री का स्वप्न है, वह स्त्री का स्वप्न है। लेकिन इसके उलट जब मैं क्षमा चाहूँगा मतलब राज साहब की जो कहानी है तो मुझे अचानक के याद आया और प्रेमचंद पूर्व की कहानी और प्रेमचंद के बाद की वह कहानी है कि जो अपने आप को बहुत बेबस समझ रही हैं, यानी 90 के दशक में उदारीकरण के बाद ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं, ऐसा नहीं ऐसी संबंधों पर ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन 2019 में लगातार नायिका का छिजते जाना और उसके बीच में कोई पॉजिटिव या कोई रिएक्शन न आना, वह चाहे शब्दों में हो चाहे भाव में हो, ये बड़ा आश्चर्यजनक मुझे लगा। अच्छा अगर ऐसा है भी तो हम ऐसी कहानी क्यों पढ़ेंगे फिर, अगर ऐसा है भी, मतलब मैं कहानी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है भी कहीं अगर कोई अगर कहानी सिर्फ स्थितियों का बयान है तब तो हम अखबार या रपट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, स्थितियों का बयान पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो मेरे विचार से जो लिटरेचर है, साहित्य है, जो कहानी है, वह जो स्पंदन है, वह जो उसके अंदर छिपी हुई जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो उस नायिका में दिखती है, वह जो नूरजहीन की जो कहानी है उसमें, वह जो तमाम दुखों के बाद वह उन स्मृतियों को याद करती है, उसका जो तमाम वाचिक और आंगिक जो उसका व्यवहार है, उसके जो अप्रोच है, वह तो हम युवाओं को स्पंदित कर रही है। लेकिन अभी तमाम दुख भरे दिनों में, तमाम संघर्षों में, और तमाम रोजमर्रा के जीवन में जब हम रोज संघर्ष करते हैं, यह कहानी और हथौड़े की तरह मार रही है कि अब उठना संभव नहीं है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ दरअसल वह यह है कि कहानी मात्र स्थितियों का बयान नहीं है, कहानी वो गजब का ट्रीटमेंट है जो कम शब्दों में बड़ी बात बयान करती है। जैसे नूरजहीन कम शब्दों में हंट कर रही है अभी तक, जैसे ऐसा लग रहा है कि उसी के साथ डांस कर रहे हैं हम, नृत्य कर रहे हैं हम, उसके साथ चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उसने देखा कि हाँ शादी नहीं हो सकती तो उसने एक गुगली फेंकी, लेकिन उस गुगली के साथ हम भी चल रहे हैं। हाँ अच्छा किया, क्या करती वो, क्योंकि उसके मन की बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, तो फिर उसने एक नई मन की बात सुनी। बहुत खूबसूरत शाम है, लेकिन
और इसकी उपलब्धि दोनों का अधिकार है, लेकिन अभी जो मन जो जा रहा है, जो समाज जिधर जा रहा है, जिधर स्त्री को जाना चाहिए, वो तो मैं नूरजह जी को बहुत शुभकामना, आपको भी शुभकामना। काफी बात कहनी है, लिंक मुझे मिला नहीं, प्रेम सर से मैंने कहा था तो विस्तार से बात करता, और मौका भी ऐसा नहीं है, लिंक दे देता तो क्या करते, मैं सोच रहा हूँ। और अगर बेहतर तरीके से तो मैं कहानीकारों के संदर्भ में भी ये जो फर्क है, समय का जो भी फर्क है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है कि कहानी अभी की लिखी जा रही है, अभी की आप कहानीकार। बहुत बहुत साधुवाद, बाकी और आगे विस्तार से। एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था मैं, अगर इजाजत हो। हाँ हाँ चलिए। एक्चुअली मैं कहानी पर कुछ नहीं, मैं उतनी हिज्जत तो मेरी नहीं है और मैं उतना अच्छा बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं एक छोटी सी भी दो घोषणाएं करना चाहता हूँ। एक कथा कहानी का ही ये श्रेय है कि इनसे प्रेरणा लेकर हमने कई सारे पहल किए। एक्चुअली सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो जो इसकी जो रीच है, मतलब हम कितने लोगों तक इस संदेश को पहुँचाए, और दूसरी बात है ये भी इसके साथ ये बात जुड़ती है कि ये जो हमारी पत्रिका है, तमाम पत्रिकाओं में जो हमारी कहानी छपती है या फिर जो अभी बहुत सारे ऑनलाइन मैगजीन्स में भी छपते हैं, तो हमने इसमें देखा कि तरह तरह के पहल हो रहे हैं कि हम जो बातें हमारे कहानी का आज हमारे इस दौर के जो रचनाकार है उनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाएँ, ये एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष जो जो मेरी बात का है वो ये है कि आप जैसे नूरजहर जी है, मैडम को इससे पहले भी एक शाम अदब के नाम वहाँ पे अशोक तिवारी जी के साथ वहाँ पे हमने सुना, और हरीश राय जी को भी सुना, या विवेक जी इनको भी सुने, तो आप जैसे निधि है ये बहुत अच्छा कहानी लिखती है, अब इसको कौन सुने? वही बात है सर कि ये जो नई उम्र के रचनाकार है, नए उम्र के या निधि जैसे रचनाकार है, जो इनको दूसरी प्रतिष्ठा मिल गई है, ये तय है। बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारा ये सुनाया है, हां ये हमने सुनाया है, इसीलिए कि ये लोग आगे से हम इन लोगों का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं और बीच में हमने किया भी है। तो सर बस मेरा यही कहना है कि इनसे ये जो जिनको थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिली है या इनसे भी थोड़े से और जो नए लोग हैं जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जैसे लोगों के सामने अगर आएंगे, नहीं सर हम तो श्रोता है, बस हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन इनसे भी छोटे लोगों को भी मौका दिया जाए जो अभी लिखना शुरू है। शुक्रिया। मैं एक चीज बस कहना चाहता हूँ, अंजलि जी को जाना है और ये आ जाई है पहली बार हमारे कार्यक्रम में, तो हम कम से कम इनकी बात आपके संदर्भ में कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा सुझाव है। हाँ। उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वरिष्ठ कथाकार और एक युवा कथाकार, और दूसरा ये भी जैसा कि पिछली बार कहा गया था, जो लोग अपनी कहानी पढ़ लेते हैं केवल कहानी पढ़ने के लिए आना है, सुनने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने नूर जहीर को कहानी खुद सुनी, मतलब मैंने सुना उनकी जुबानी सुनी, जो उसमें उनकी कहानी की सबसे खास बात यह है कि शुरुआत तो होती है जनाजे से, कब्रिस्तान मौत से शुरू होती है और ख़त्म होती है जिंदगी में, जैसा कि कहा भी जा चुका है। एक कहानी जो उन्होंने लफ्जों में लिखी है और एक कहानी जो उसके अंदर है, जिसको वो कुंजी मिल गई ना खोलने की, तो उसको वो अंदर की कहानी मिल जाएगी, जैसे वो बाकी सब बातें हो चुकी हैं, तो ये जैसे वो कहती है कि 32 साल में वो बता नहीं पाए कि उनको ये कितना अच्छा लगता था बारिश में नाचना, बारिश उनका मनपसंद काम था ये, लेकिन वो 32 साल उन्होंने उस शख्स के साथ गुजारे, उसका शौहर था, और फिर भी वो गैर बराबरी बनी रही, वो कितनी भी मोहब्बत जो है वो तभी इसमें जो मोहब्बत है, जो प्यार है या जो साथ भी है, वो तभी है पितृसत्ता में,
जब आदमी ये सोचे कि औरत कमजोर है और उसे मेरे सहारे की जरूरत है, प्यार का ये स्वरूप है, ये इस कहानी में एकदम साफ निकल करके आता है। और वो कहती नहीं है कहीं पर भी, कोई भी नहीं कहता, लेकिन वो जब डांस कर रही है वहां पर, वो सबके सामने ऐलान कर रही है अपनी जिंदगी पे, अपना दावा पेश कर रही है कि चलो 32 साल मैंने इस आदमी के लिए थोड़ा बहुत नाटक खेल लिया, लेकिन वो कितनी भी बेखौफ है वो उस परंपरा को तोड़ने के डर से आजाद नहीं है कि हम शादी के बिना जी लेंगे। माँ भाई के अकला नजर से वो डरी हुई है, उसको वो सब इसीलिए जब उसको लगता है कि अब ये कबूतर तो निकल रहा है हाथ से, तो वो नाटक कर लेती है, और वो ऐसा नाटक कर लेती है वो उसको जिंदगी भर करना पड़ जाता है। और वो तोड़ सकती थी, मतलब वो कहती नहीं है राइटर, वो तोड़ सकती थी, लेकिन एक बार भी मौका नहीं मिला, मतलब वो पति उसके लेवल पर पहुंचा ही नहीं। वो पति की जो कमजोरी है कि उसे एक कमजोर औरत चाहिए, उसको उसने पोसा अपनी तरफ से इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए। बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, और आपको बहुत बहुत बधाई। हरीश राय जी की कहानी के बारे में देखिए, मैं बहुत मुफट हूँ, बदनाम हूँ इसी चीज़ के लिए, ये कहानी तो औसत से भी कम दर्जे की कहानी है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक औरत पिसे जा रही है, उसका अपने पैसे पर भी अख्तियार है, वो दूसरों की मदद भी कर रही है, पीएफ से भी निकाल के पैसे दे रही है, अपने इलाज के लिए नहीं दे रही। अच्छा, कम से कम कहानी यही बताती कि अवसाद क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, कम से कम उस मनोवैज्ञानिक पहलू का ही को ही उजागर करती ना, अगर वो बताती कि औरत डिप्रेशन में है, जो डिप्रेशन में होता है अपने खाने की परवाह नहीं करता, नहाने की परवाह नहीं करता, तो अपने इलाज की क्या परवाह करेगा, वो इस तरह से खुदकुशी करना चाह रही है, परिस्थितियां इस तरह की हो गई हैं, ये भी अगर वो कहानी कह रही होती तो आज के ज़माने की कहानी होती, जिसमें जो है कार्डियक प्रॉब्लम से आगे जो है ऊपर जो है डिप्रेशन की बीमारी आ गई है। अब कह रहे हैं कि डिप्रेशन जो है मौत का नंबर वन कारण है, बनने वाला है अगर नहीं है तो वो भी नहीं कहती ये कहानी। ये कहानी तो एक ऐसी कहानी है कि माँ की संवेदना वगैरह को छोड़ो, वो सब फजूल की बातें हैं, माँ बाप सब जो है परिस्थितियों की पैदाइश होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि माँ का कोई वो निःशर्त प्यार होता है, दुनिया में कभी भी नहीं हुआ था और आज भी नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा, लेकिन ये जो है ना कि ये औरत जो है कभी भी मतलब कोई भी प्रतिवाद नहीं करती, और उसका जो दब्बू पति है उसको जब ऐसी सबल औरत का सहारा मिलता है जो कमा भी रही है, अपनी मर्जी से पैसा भी खर्च कर सकती है, मददगार औरत भी है, उसके सहारे भी वो कुछ नहीं बन पा रहा है, और ये कबूल करे जा रही है कि हाँ ठीक है जी, मैं पैर की जूती हूँ, मैं पिसती रहूँगी, तो ना मुझे इरा मेहरा से सहानुभूति है, ना राजीव लोचन से मुझे नफरत है, ना उसके वो जेठ से मुझे कोई नफरत है। ये कहानी किसी भी चरित्र के प्रति कोई भी भाव पैदा करने में नाकाम है। वेरी सॉरी हरीश, आपको बुरा लगा होगा, ठीक है, कहानी तो आ गई, तो सबकी हो गई कहानी, तो सबकी हो गई जब आपने कहानी को क्या कर भार तो दिया। आप सुनना, आपको सुनने का मेरा सीने की जरूरत उनके साथ थोड़ा एक व्यवस्था है, और जिस वजह से उनको पहले हाँ आपने बहुत अच्छा विवेक जी जा रहे हैं, विवेक आप कैसे जाएंगे? आप